हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में शाओमी का मिंट लॉन्चर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अभी अभी शाओमी ने ये रिलीज़ किया और अभी ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, बट आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस ऐप को डाउनलोड करना है और अपने फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है अपने होम स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरा फ़ोन वो नोकिया 5.1 प्लस है और इसको मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर लेता हूँ लॉन्चर को। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको कुछ परमिशंस को यहाँ पर अलाउ कर देना है और उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस मिंट लॉन्चर को। और उसके बाद इस तरीके की होम स्क्रीन आपको दिखेगी, ऊपर टॉप पे सर्च बार है, ऑब्वियसली इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। क्लॉक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्टली क्लॉक में जंप करने के लिए। उसके बाद कुछ आइकन्स मिलते हैं यहाँ पर, बूस्टर का एक रैम क्लीनर मिलता है बेसिकली। और यहाँ पे इस तरीके से होम स्क्रीन आप स्क्रॉल कर सकते हो, जो इफेक्ट है वो काफ़ी कमाल का यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। होम स्क्रीन आप होल्ड करोगे तो और सेटिंग्स आपको मिलेंगी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में, और ऐप ड्रॉअर यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अलग है और यहाँ पर मिंट लॉन्चर लिखा हुआ है और इस तरीके का ऐप ड्रॉवर है। ग्रिड साइज़ वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कैटेगरीज वगैरह हमें यहाँ पर दी नहीं गई है, जैसे कि पोको लॉन्चर में हमें देखने को मिलती थी। तो काफ़ी उसी तरीके से है बट थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। बॉटम पर सर्च बार मिलता है जिसमें आप अपनी ऐप्स को सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी वो ऐप यहाँ पर सर्च कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पे कलर स्कीम वाला कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आपको पोको में मिलता है। ये काफ़ी यहाँ पर सिंपल सा बना दिया है, इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है। वॉलपेपर विजिट और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपको पोको मिलते हैं उससे थोड़े यहाँ पर कम मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट सेट करने का है, फिल एम्प्टी सेल्स का है, लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, जैसे कि आइकन्स वगैरह इधर उधर मूव ना हो। हाइट ऐप्स का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पैटर्न करेंगे एंटर 2 बार और उसके बाद आप अपनी ऐप्स को हाइड कर पाएंगे ड्रॉअर में जाके। देन गाइस, अगर आपको ऐप्स को हाइड करना है तो ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ पे पिन पैटर्न एंटर करना है। देन यहाँ पर आपका जो ऐप होगी उसको आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे, देन वो हाइड हो जाएगी और उसके बाद वो गायब हो जाएगी आपके ऐप ड्रॉअर से। उसको एक्सेस करने के लिए फिर से आपको लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना है ऐप ड्रॉअर में जाके, और डायरेक्टली यहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अनहाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर मोर सेटिंग्स हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर आइकन पैक वगैरह मिल जाता है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कस्टमाइज लेआउट है जिसमें आप स्मॉल मीडियम लार्ज यहाँ पर कर सकते हैं और 4-5 ग्रिड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना। ऐप सजेशंस के ऑप्शन है जो कि आपकी ऐप्स यहाँ पर सजेस्ट करता है ऐप ड्रॉअर में जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो। ग्रुप ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पर A to Z का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो ग्रुप ऐप्स ऑटोमेटिकली का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये उसी की तरह जैसे कि आपको पोको मिलता था। स्क्रोल बार है, फिल एम्प्टी सेल्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो गाइज, ये लॉन्चर काफ़ी कमाल का है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और काफ़ी स्मूथ ये चलेगा, काफ़ी कम रैम भी अगर आपके फ़ोन में तो भी अच्छा चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।